अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी प्राजक्ता खरे पाहूयात के ठळक वृत्त। गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या वतीने कोरोना काळात अविरतपणे आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या जामनेर उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिका चालकांचा सन्मानपत्र देऊन कोरोना योद्धा म्हणून सन्मान करण्यात आला। मिळालेल्या पुरस्काराचं मोल मला जास्ती वाटतं, कारण आपण म्हणतो कोणतंही काम करताना आपल्या मागे जर देव उभा असेल तर ते काम जास्ती यशस्वी होतं। तसंच काम करताना जर त्याला आध्यात्मिक जोड असेल तर ते काम जास्ती यशस्वी होतं। म्हणून ह्या पुरस्काराचं मोल आम्हाला जास्ती महत्त्वाचं आहे आणि असे पुरस्कार मिळाल्यामुळे आम्हाला अजून काम करण्याची संधी मिळते। धन्यवाद बापूजी, आणि पुढे आम्ही असंच काम करत राहू असं आम्ही तुम्हाला ग्वाही। रुग्णालय जामनेर के ग्रामीण रुग्णालय के अधिकारी डॉक्टर्स, उनका सभी का सत्कार हुआ, लेकिन जो लोग पेशेंट को उठाकर रात हो दिन हो उनका कोई समय नहीं, 108 पे कॉल आया तुरंत अपनी ड्यूटी बजाई और चले, उनका सत्कार मेरे से रह गया था। और वो कई दिनों से हमारे अंदर चल रहा था कि हमारे जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, हमारे कुछ डॉक्टर भी बाकी थे, तो उनका सत्कार करने के लिए आज हम यहाँ उपजिला रुग्णालय जामनेर में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, हमारे इन रुग्ण चालिका चालक ड्राइवरों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपनी जीवन की परिवार की परवाह न कर जिनका भी कॉल आया वो तुरंत उठे और गाड़ी लेकर अपने पेशेंट को लेकर जहाँ आवश्यकता पड़ी वो हॉस्पिटल में चले गया। इसलिए उनका सत्कार होना जरूरी था। जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए उनका यथाशक्ति जितना हो सके सत्कार होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से मैं आज उनका एक छोटा सा सत्कार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिनमें हमारे सारे डॉक्टर्स हैं। इन्होंने अभी हमारे डॉक्टर चांदा साहब ने बताया कि मेरी पूज्य माता जी भी कुछ दिन यहाँ एडमिट थी। माता जी को यहाँ एडमिट करने का मेरा इतना ही उद्देश्य था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिविल में कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अरे बाबा, आप डॉक्टरों पे विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा होता है। माता जी का काफ़ी निमोनिया था, कोविड में तो वो नहीं पॉजिटिव आई, दोनों निगेटिव आए उनके, लेकिन इतना निमोनिया था। हमारे चांदा सर थे, हमारे जैसे तई थी, हमारे डांडे सर थे, हमारे पाटिल साहब सर थे, इतना पूरी ट्रीटमेंट किया। मेरे को चांदा सर दिन में 2-3 बार कॉल करते थे, बापू जी माता जी भी नाश्ता कर रहे, अभी भोजन कर रहे, तो इतना अच्छा उनका। हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, हम किसी का आप अनादर करेंगे तो अनादर हमको मिलने वाला है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जाओ सबका सम्मान करो, सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करो तो अपमान मिलेगा। और हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने इतना अच्छा कहा है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो आज हम यही कार्य गुरुदेव सेवा आश्रम गए 5-7 महीने से कर रहा है, जितना यथाशक्ति हो हम लोग करते चले आ रहे हैं। जैसे मेरे गुरुदेव हमको सद्बुद्धि देते, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, जिनके कृपा आशीर्वाद से आज तक ये प्रोग्राम चल रहे हैं, आगे जो भी मुझे सद्बुद्धि देंगे वो मेरे गुरु की कृपा है। तो अधिक समय न लेते हुए मेरे इस कार्यक्रम के अभियान को मेरे सारे पत्रकार बंधु है, व्यक्तिगत किसी का एक का नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सभी का प्यार है, सभी की श्रद्धा है, उन सभी पत्रकार बंधुओं के लिए हृदय से मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने गुरुदेव सेवा आश्रम के सेवा कार्य को जन जन तक पहुँचाकर कुछ लोगों को उससे प्रेरणा मिली। पुनः भेटू, तो पर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।